बाद गुपचुप देखा, ठीक है चलो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, गुड वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, आवर कंप्लीटेड योर प्रीवियस चैप्टर डायरेक्टिंग, चैप्टर 8 नहीं सॉरी कंट्रोलिंग, चैप्टर कंप्लीटेड। तो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? ओनली फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है ये तो पता होगा, किसी को फाइनेंस नहीं, वो इकोनॉमिकल होगा, इकोनॉमिक आर्थिक नहीं इकोनॉमिक होता है। फाइनेंशियल क्या होता है? बैंक से लोन लेते हैं ना, जैसे हम फाइनेंस कराते हैं कोई गाड़ी में फाइनेंस कराते हैं, फाइनेंस में कैसे ही होता है, सीधी बात है कि वो मनी होता है, ठीक है। देन तुम्हारे पास जैसे कि अभी क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है हमको पता है, क्या होता है मैनेजमेंट, किसी भी चीज को मैनेज करना, ठीक है। और फाइनेंस यानी कि पैसा, अब हमको पैसे को मैनेज करना, फाइनेंस यानी वही है, फाइनेंस का मीनिंग ही पैसा हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ठीक है। और जो कैलेंडर ईयर होता है हमारा वो होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। कैलेंडर ईयर जो हम डेप्रिसिएशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसका मीनिंग है शॉर्ट में वो लिखोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। लिखो मीनिंग, मनी यूज बाय अ बिजनेस, मनी यूज दो लाइन का ही मीनिंग है जो कल याद करके भी मुझे वापस रिपीट सुनाओगे। यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी यूज्ड बाय अ बिजनेस, मनी यूज्ड बाय अ बिजनेस मेन फॉर कैरिंग आउट ऑल द बिजनेस मैन फॉर कैरी आउट ऑल द बिजनेस। ऑल ऑफ यू राइटिंग योर पार्ट, नेक्स्ट पेपर में तुमको इस चीज से लिखना है, आप एकदम लिखने की गति को बढ़ाओ। देखो मैन फॉर कैरी आउट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, डेट डाल दिया तो चैप्टर का नाम डालो, उसके बाद कंटिन्यू फिनिश में लिख के जो एक ही कॉपी कर दो ताकि एग्जाम टाइम में तुमको हेल्प होगा। तीनों कॉपी अलग बना लो सबसे अच्छा है, अकाउंट इको और ये बिजनेस आपका एक बार लिखने के लिए तो है, तो क्या होगा वो पूरे बाद जो पुरानी कॉपी भी होगी तुम्हारी उसको यूज करो ताकि एक ही कॉपी में तुमको पूरे क्वेश्चन अच्छे से मिल जाए एग्जाम टाइम के लिए, क्योंकि अभी जितना तुम कलेक्शन करोगे वही चीज काम आएगा वहां पे। कहां से लिखे? एक्टिविटी इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस, एज बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, तब आप ये वाले आंसर लिख सकते हो, मनी यूज बाय अ बिजनेस मैन फॉर कैरी, यानी कि मनी यूज करते हैं बिजनेस मैन, बिजनेस मैन क्या करते हैं मनी यूज करते हैं फॉर कैरी एंड ऑल दी इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस। व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट का भी मीनिंग ऐड करेंगे बाद में, ये अभी सिर्फ हमारे लिए क्या था बिजनेस फाइनेंस। अब इसका मतलब समझ आ रहा है, बहुत इजी से वर्ड है, बिना फाइनेंस के हम बिजनेस को रन नहीं कर सकते, क्या बिजनेस चला सकते हैं बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के? जैसे हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस,
ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, हर एक क्वेश्चन के बाद हमारे एक एग्जाम्पल बनता है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में भी करके अच्छे से लिख सकते हैं जब हम मीनिंग लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड की बहुत जरूरत होती है, बिना ब्लड की कमाई थोड़ी सकती है, वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छा है तो दे सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को ब्लड की जैसे जरूरत होती है। जो जो हमें एक्सप्लेन कर रहे उसी को सोच के अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये एग्जाम्पल हमने दे दिया कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वैसे ही बिजनेस के लिए फाइनेंस भी क्या है, बिजनेस को रन करने के लिए क्या है हमारे पास, एक ब्लड की तरह ही काम करते हैं। पैसा है तो ठीक है, अदरवाइज आज पैसा नहीं है, फेस्टिवल है तो कैसे हो जाएंगे, हम लोग एक्साइटेड सोचेंगे ना कहाँ से लाए कहाँ से लाए, ऐसा होता है ना, पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आवाज आ रहा है आप लोग को मेरी, आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? ठीक है, कहां तक है? अब देखो, सो ये इंट्रोडक्शन था हमारा बिजनेस फाइनेंस का, लिख लोगे आराम से, ये दो लाइन का मीनिंग है और आपके बुक में भी दिया हुआ है इसका मीनिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट, इट इज कंसर्न्ड विथ द मैनेजिंग फाइनेंस ऑफ द बिजनेस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड द सक्सेसफुल ऑफ द एंटरप्राइज। ये तो बहुत हार्ड बीच में वर्ड है, लेकिन बीच में देखो दिया है लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस दिया है इसके बीच में 157 पेज में। देखो इट इज राइटली सेड एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ अभी बताई ना मैं, क्या हुआ इसका मतलब? अभी तो बताई मैं, जैसे ह्यूमन बॉडी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये लाइन इतने अच्छे से बोल नहीं सकते हो, बोलो जो मैंने बोला। गुड, अब वो हिंदी में मैं बता रही, इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। जो भी मनी, जो भी हम फाइनेंस एक बिजनेस में यूज करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बिजनेस फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है कि जैसे बिजनेस वन फॉर कैरिंग आउट ऑफ, हमारे मीनिंग में क्या था, मनी यूज बाय अ बिजनेसमैन फॉर कैरिंग आउट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस। यानी इसका मतलब समझ आ गया अभी तक जितने मैंने बताया। अब हम करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है, मैनेजमेंट करना मीन्स मैनेज करना, किसी भी एक्टिविटीज को मैनेज करना और परफॉर्म करना। यानी अगर हमने एक बिजनेस ओपन किया है, चाहे वो सॉक्स का हो, शू का हो, क्लॉथ का हो, कोई भी हमने जो बिजनेस डाला है, उसको रन करने के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या चाहिए, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फाइनेंस आएगा तब जाके हम क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, बिना फाइनेंस के कैसे करेंगे। मनी बोल सकते हैं, इसलिए तो मैंने बता दिया कि बिजनेस के लिए मनी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने के लिए हमारे पास क्या है, एम, गोल, ऑब्जेक्टिव, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तीनों को हमको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको बिजनेस के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे कि कैसे हमको बिजनेस में उसको परफॉर्म करना है, कैसे करना है। उसके बाद क्या आता है आपका, देखो अब हमने फाइनेंस तो सोच लिया कि हम यहाँ यहाँ से कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमको
ऐसा चीज भी सोचना है कि ऐसे जगह से हम सोर्स कर लेंगे, मतलब ऐसे जगह से मनी कलेक्ट करेंगे ताकि हमको उसका कॉस्ट भी कम देना पड़े। ऐसा नहीं कि हमने बिजनेस के लिए तो अरे फाइनेंस करना है, कहीं से भी हम 8% ऐसा नहीं कर सकते। हम ये भी देखते हैं मतलब कि कम पैसे में कहीं से लोन ले लें ताकि हमको जो कॉस्ट है वो कम पे करना पड़े। समझ आया? मतलब ये भी नहीं देख सकते कि हमको फाइनेंस चाहिए कहीं से भी ले ले, हमको घर बनाना हम कहीं से भी लोन ले ले, ऐसा नहीं। हम ये भी देखेंगे ना, क्योंकि 10 साल बाद भी तो हमको ही पे करना है। बैंक अगर हमको इंटरेस्ट ज्यादा पे करने बोल रहा है तो हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पूरा अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम अपने सोर्सेस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब ऐसे जगह पे देखेंगे कि हमको इंटरेस्ट कम देना पड़े। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर टू मैनेजिंग, ये है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। सेकंड है वो, फर्स्ट लिख लिया था, ये सेकंड लिखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर टू मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस बाय एक्वायरिंग ACQUIRING प्रोसेसिंग यूटिलाइजिंग द फाइनेंस इन इफिशियंट वे, यूटिलाइजिंग द फाइनेंस इन इफिशियंट वे, इफिशियंट EFF बोल रही सुन लो efficient, ठीक है। अब ये समझ आया है, दोनों मीनिंग का अच्छे से याद कर लोगे कैसे क्या क्या हम लिख सकते हैं मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन द, बहुत अच्छा है हॉवर्ड एंड ओपन का जो डेफिनेशन है इसको याद करोगे। कल एनी टू डेफिनेशन में पूछूंगी तुम लोग से, मंडे को, कल भी रहेगा ही सैटरडे, तो मैं कल पूछूंगी, ठीक है। मीनिंग डेफिनेशन दो, एनी टू डेफिनेशन कॉपी में लिख कर याद करके आओगे। यस, पहले मीनिंग दो याद करोगे। हाँ, होमवर्क है वो, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए और दो डेफिनेशन है, चाहे आप कोई सा भी याद करो, बट फर्स्ट वाला बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन बोल रहा है, व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट, ये तो है शुरू का, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस मैनेजमेंट। हाँ, दो क्वेश्चन बोले, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड में बता रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिवेशन एंड एंटरप्राइजेस गोल, मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैंने पहले भी बताया है कि जो फीचर्स है, करेक्टरिस्टिक्स है, नेचर्स है, ये सारे एक ही हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर तीनों ही पूछता है तो कोई भी जो आपने अगर करेक्टरिस्टिक याद किया है, फीचर याद किया है, नेचर याद किया है, तो उसमें से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं,
ठीक है, विथ एक्सप्लेन। अब देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, हाँ हाँ वही तो ऊपर है, हाँ वही है, तो ये इधर डिटेल में रहता है, बॉक्स में रहता है। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन प्रॉफिट, चलो रीड करो। हाँ चैप्टर तो वही है। नहीं वो तो मीनिंग था, ये ऑब्जेक्टिव है। सिक्स सिक्स पॉइंट याद करो, क्योंकि लास्ट ईयर से पहले ही क्या हो गया है, बिफोर ईयर 8 पॉइंट यानी 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो 5 पॉइंट याद करके 3 और कहाँ से लाएंगे हम, तो कोशिश करो कि 8 8 पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन को याद करो, क्योंकि 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन है। हाँ, और हेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है चलो रीड करो। राइट टू डेफिनेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो ना, राइट लिखो, एक पेज में अच्छे से क्वेश्चन लिखो तो उसको मैं इसमें डालूं। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट सेकंड, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड राइट टू डेफिनेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Sit down. हार्मोनाइजिंग का मतलब होता है तालमेल, जैसे हमने लोन तो ले लिया, कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि जब हमने बैंक से लोन ले लिया है, बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं ना कि या तो डेथ हो जाती है या तो फिर वो लेके चला भी जाता, भाग भी जाता है अगर नहीं दे पाते, तो ये चीज हमको नहीं करना रहता। जैसे लोन हमने लिया है तो उसके लिए हमारे पास बैंक से क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, नॉमिनीज जो रहते हैं वो पे करते हैं, या तो फिर अगर कोई भी नहीं रहता तो बैंक उस केस को ही सीधा क्लोज कर देता है, अगर कोई भी नहीं है उस कंडीशन में, तो नहीं तो जो नॉमिनी इसलिए बनाया जाता है, या तो उसका पूरा प्रॉफिट वो लेगा, या तो अगर वो नहीं दे पा रहा है तो उसका पूरा बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट पॉइंट था इंक्रीज इन प्रॉफिट, मीनिंग से ही पता चल रहा है कि इंक्रीज इन प्रॉफिट क्या होता है। अलग बैठो तो दोनों, चलो इधर बैठो, क्या होता है इंक्रीज इन प्रॉफिट, अभी वो पढ़ी है, तुम लोग पढ़ो उसको और मुझे उसका मीनिंग बताओ, क्लास 12th में हो, इंक्रीज इन प्रॉफिट। इनकम लेकिन वो ज्यादा क्वांटिटी में कब बिकेगा, पहले सबसे पहले तो मार्केट का वो देखेगा कि क्या मार्केट में उसकी डिमांड है,
सबसे पहले तो यही देखेगा ना कि क्या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं क्या मार्केट में उसकी डिमांड है, तभी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा। या तो फिर एक कंज्यूमर क्या करता है, अगर किसी भी चीज का रेट बढ़ जाता है तो कंज्यूमर ऑटोमेटिक कम होने लगते हैं, ठीक है, लेकिन अगर डिमांड है तो लोग ज्यादा अमाउंट में भी उसको लेते हैं। जैसे अभी फेस्टिवल है, जो भी सामान लेना है वो तो ले गई, चाहे कितना भी महंगा हो। जैसे कि गैस है, वो यूज होना ही है तो लेना ही है चाहे कितना भी अमाउंट बढ़े। पेट्रोल है, लेना ही है। दिवाली है, फेस्टिवल है, भले गोल्ड नहीं लेगा लेकिन क्लॉथ तो लेगा, कपड़े तो लेगा, स्वीट तो लेगा। तो ये चीज है, जिस चीज का डिमांड है आज देखना बहुत ज्यादा, उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और सप्लाई होगा। रेवेन्यू मीन्स भी इनकम ही होता है, ठीक है। तो वो जो जो चीज बताई है वो सही बताई, ठीक है। वैसे ही तुमको पूरे पॉइंट को रीड करके एक्सप्लेन करना, चाहे गलत हो, उससे हमारा क्या होगा, नॉलेज ही बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट रीड करेगी रुमेना, रुमेसा, आयशा, तुम दोनों का तो नाम है, तो ऐसी कंफ्यूज रहा। जल्दी रीड करना है, वो कितनी जल्दी से रीड करती है, वेरी गुड गर्ल। ऐसे बच्चे ठीक है, फटाफट खड़े हुए रीड किए, ये अभी तक खड़ी नहीं हुई है, बाल कोई नहीं तुम्हारा छेड़ेगा। और इसमें एक मिनट बैठो, इसमें और एक चीज बताया था कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, मतलब जो सेलिंग के लिए एक्टिविटीज, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन उसकी एक्टिविटीज को कैसे लॉन्च करोगे। फर्म टू फॉर्मुलेटेड बोल रहा, फॉर्मुलेटेड मतलब उसका तरीका कैसे है तुम्हारा, क्योंकि सामने वाला, बहुत सारे होटल होते हैं लेकिन हर होटल में नहीं घुसता वो, क्यों, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पे मुझे टेस्ट अच्छा मिलेगा तो मैं वहां जाऊंगा। वैसे होता है ना कि कितने भी दूर से आके वो लेके जाता है वो सामान को, क्यों, क्योंकि मालूम है कि वहां पे वो सामान अच्छा मिलता है। और उसकी एक्टिविटीज बोला है, एक्टिविटीज मतलब एक्टिविटी से नहीं, क्या होता है जैसे हर एक पर्सन के पास अपनी एक्टिविटीज होती है, हमने पढ़ा है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन आता है, प्रोफेशनल में कौन आते हैं, नॉन प्रोफेशनल में कौन आते हैं, तीन नाम बताओ, तीन है, टीचर, डॉक्टर और पायलट, लॉयर। और नॉन प्रोफेशनल में, जैसे कि थ्री ने स्टूडेंट, नहीं नहीं मैं बता रही हूँ तुमको, तो थ्री नेम ओनली पूछी हो, वो सेलर, होलसेलर, वो भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। अरे तो छोटे मोटे जैसे ठेले पे बेच रहे हैं, टेलर सबसे पहले, टेलर सिलाई जो करता है वो प्रोफेशनल थोड़ी है, एक्टिविटी है उसके पास, नॉलेज उसका था, एक्टिविटी से सीख लिया। जो टॉयलेट साफ कर रही है सब, तो जब तो वर्क कर रहा है उनके पास ये चीज पता था कि एक्टिविटीज थी। जैसे कोई कोई सिलता है, सिलाई कर रहा है, तो टेलर वो नॉन प्रोफेशनल हुआ, जॉब काम तो कर रहा है लेकिन वो अपने क्या है, जो अपनी एक्टिविटीज दिखा रहा है ना, और प्रोफेशनल इसलिए बोला जाता है, हमने पढ़ा है उसको ना, हमने पढ़ा है, पढ़ने के बाद बीएड करना, अपनी अदर डिग्रीज लेना, तब जाके हम प्रोफेसर, डॉक्टर ऐसी थोड़ी कोई बन जाता है, वो भी अपना बहुत पढ़ाई करने के बाद, अपनी डिग्री अटेंड करने, एक्सपीरियंस, तब जाके वो डॉक्टर बनो, ठीक है। और टेलर जो है वो अपनी एक्टिविटी, आज आर्ट एंड क्राफ्ट बनाओगे, हाँ, तो ये लाइन से चले जा रहा। जैसे कि मान लो तुम लोग को किसी को रंगोली अच्छा आता है, उसकी एक्टिविटीज है, किसी को सिलाई आ रहा है, ट्रेनिंग आ रहा है, तो
ओके।